स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बेसल्स फंक्शन, जो कि है सॉल्यूशन ऑफ बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जो बेसल्स फंक्शन होता है वो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन का सॉल्यूशन होता है। तो अगर आप बेसल फंक्शन को ड्राइव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन का पता होना चाहिए, और उसी बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बेसल फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि शुरुआत कहां से करेंगे आप इसकी। द बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन इज गिवन बाय, जो बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ऑफ ऑर्डर एन वो कुछ इस प्रकार से होती है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, वेयर एन इज नॉन नेगेटिव रियल कॉन्स्टेंट। इसको हम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर आप इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो जो आपको फंक्शन मिलता है उसे हम बोलते हैं बेसल्स फंक्शन। तो आइए स्टूडेंट्स, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम एज्यूम करते हैं। लेट द पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन इज गिवन बाय, हम मान लेते हैं कि इक्वेशन वन का जो पावर सीरीज सॉल्यूशन होगा वो ये होगा, y इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर एक्स की पावर k प्लस r, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, इस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो दैट वी कैन फाइंड dy बाय dx। फिर dy बाय dx का एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो दैट वी कैन फाइंड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, dy बाय dx की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और y की वैल्यू ये वाली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, और आगे जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इन द अपकमिंग सेक्शंस। तो स्टूडेंट्स, आइए डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन टू को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको लाइन क्या लिखनी है, डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, dy by dx is equal to summation r is equal to 0 to infinity ar constant है वो ऐसे रहेगा, k plus r की पावर आगे आएगी, k plus r x की पावर k plus r minus 1 हो जाएगा, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो dy by dx की वैल्यू फाइंड कर ली है, हमें d2y by dx की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें थर्ड इक्वेशन को एक बार और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोनों तरफ। डिफरेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy by dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, d square y by dx square is equal to summation r equal to 0 to infinity ar constant है, k plus r constant है, ये पावर पहले आगे आएगी, k plus r minus 1 होगा, फिर आपको साथ में लिखना होगा x k plus r minus 2, एक पावर यहां से माइनस होगी तो ये माइनस 2 हो गया, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से, dy by dx की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से, d2y by dx square की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन से उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे और आगे इसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने y dy by dx d square y by dx square की वैल्यूज फाइंड कर ली थी सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन में। अब हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 2, 3 एंड 4 इन 1 वी गेट। तो सबसे पहले आपको x square लिखना होगा, यहां पर d2y by dx square की वैल्यू पुट करनी होगी जो कि ये है, तो सेम टू सेम एज इट इज उतार देंगे ब्रैकेट लगा के आप, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए आर k प्लस r माइनस 1 k प्लस r माइनस 1 x k प्लस r माइनस 2। ये तो हमने d2y by dx की वैल्यू यहां पुट कर दी, आगे लिखा हुआ है प्लस x, यहां पर आप dy by dx की वैल्यू पुट कीजिए ये वाली ब्रैकेट लगा के, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए आर k प्लस r x की पावर k प्लस r माइनस 1। तो आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करनी है ये वाली, समेशन r इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी ए आर एक्स की पावर k प्लस r इक्वल टू 0 चल रहा है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इसी स्टेप में आप एक काम और कर सकते हैं, या तो आप अगले स्टेप में कर सकते हैं इस एक्स स्क्वायर को,
इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर एक्स की पावर 2 है, तो ये अंदर जाके यहां पर ऐड हो जाएगी पावर। तो यहां पर जब आप प्लस 2 करेंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर रह जाएगा सिर्फ एक्स की पावर के प्लस आर। इस एक्स को आप अंदर ले जा सकते हैं, एक्स की पावर यहां पर 1 है, तो माइनस 1 और ये प्लस 1 जब ऐड होंगे तो यहां पर के प्लस आर रह जाएगा और ये एक्स यहां से गायब हो जाएगा। एक काम और कर सकते हैं आप, इस एक्स स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस माइनस एन स्क्वायर के साथ इसको अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो यहां पर आप लिखेंगे समेशन आर इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए आर एक्स की पावर के प्लस आर अलग से आएगा, और माइनस एन स्क्वायर को जब आप इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके आगे के स्टेप्स हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे, इसी स्टेप में आप एक काम और कर सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर को अंदर इस एक्स की पावर में ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर 2 है, एक्स की पावर 2 है, तो ये 2 जाकर यहां पर प्लस हो जाएगा, तो यहां पर पावर हो जाएगी एक्स की के प्लस आर प्लस 2। ये काम आप इसी स्टेप में करेंगे। तो स्टूडेंट्स इससे अगला स्टेप आपका क्या होगा, आप क्या करेंगे, एक्स की पावर के प्लस आर, एक्स की पावर के प्लस आर, एक्स की पावर के प्लस आर वाली टर्म्स इकट्ठी करेंगे, और वो 3 टर्म्स है आपके पास, एक्स की पावर के प्लस आर वाली, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। यहां पर एक्स की पावर के प्लस आर प्लस 2 है, इसको आप अलग ही रखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स एक्स की पावर के प्लस आर वाली टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, और हाँ इन तीनों टर्म्स में इसमें इसमें और इसमें समेशन आर इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए आर कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, समेशन आर इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए आर कॉमन आ गया। अंदर क्या रह जाएगा बड़े ध्यान से देखिएगा, के प्लस आर रह जाएगा, यहां पर रह जाएगा के प्लस आर माइनस 1 और यहां पर प्लस के प्लस आर रह जाएगा क्योंकि ये समेशन ए आर जो है वो बाहर जा चुका है, और यहां पर रह जाएगा माइनस एन स्क्वायर क्योंकि समेशन आर इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी जो है वो बाहर जा चुका है कॉमन में, और यहां पर एक्स की पावर के प्लस आर, एक्स की पावर के प्लस आर, एक्स की पावर के प्लस आर तीनों में से कॉमन ले लिया, एक्स की पावर के प्लस आर आ गया, और ये वाली टर्म जो है वो अलग से लिखेंगे आप, समेशन आर इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए आर एक्स की पावर के प्लस आर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इससे अगला स्टेप आपका क्या होगा, इन दोनों टर्म्स में से ये हमारी पहली टर्म है और ये हमारी दूसरी टर्म है, इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे के प्लस आर, तो आपको क्या मिलेगा ये देखते हैं, समेशन आर इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए आर, के प्लस आर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा, के प्लस आर माइनस 1 रह जाएगा, ये के प्लस आर बाहर चला गया तो उसकी जगह प्लस 1 रह जाएगा, माइनस एन स्क्वायर एज इट इज रहेगा, एक्स की पावर के प्लस आर ऐसे रहेगा, प्लस ये वाली टर्म एज इट इज आप उतार देंगे इक्वल टू 0। तो इस माइनस से ये वाला माइनस जो है वो प्लस 1 माइनस 1 कट जाएंगे आपस में, तो यहां पर के प्लस आर रह जाएगा, तो ये बन जाएगा के प्लस आर का होल स्क्वायर। तो आप इसी स्टेप में इसको आप लिखेंगे के प्लस आर का होल स्क्वायर साथ में माइनस एन स्क्वायर, बाकी सारी टर्म जो है वो एज इट इज रहेंगी। तो स्टूडेंट्स इसके आगे के स्टेप्स क्या रहने वाले हैं, उसके लिए मुझे ये पार्ट जो है वो रब करना होगा, तो पहले मैं इसको रब करता हूं। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इस इक्वेशन तक पहुंच चुके थे, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं फिफ्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो एक्स की लोएस्ट पावर होगी, अब एक्स की लोएस्ट पावर आपको कैसे मिलेगी, आर की लोएस्ट वैल्यू पुट करके, आर की लोएस्ट वैल्यू क्या है 0। जब आप इस इक्वेशन में आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, एक्स की पावर के प्लस 0 मीन्स एक्स की पावर के, यहां पर क्या मिलेगा एक्स की पावर के प्लस 2 मिलेगा क्योंकि आर 0 हम पुट करेंगे टू फाइंड एक्स की पावर लोएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स एक्स की जो लोएस्ट पावर होगी वो होगी एक्स की पावर के, तो हमें एक्स की पावर के कॉफिशियंट को 0 के बराबर इक्वेट करना है बाय पुटिंग आर इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन। तो आप लाइन क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग द कॉफिशियंट ऑफ एक्स की पावर के इक्वल टू 0 बाय पुटिंग आर इक्वल टू 0 इन 5 वी गेट। आपको इस इक्वेशन में एक्स की लोएस्ट पावर कब मिलेगी, जब आप इस इक्वेशन में आर की लोएस्ट वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 0। तो आइए इस इक्वेशन में जहां जहां आर लिखा है वहां वहां 0 पुट कर देते हैं, तो आपको मिलेगा ए 0 के प्लस 0 मीन्स के का स्क्वायर मिलेगा, यहां पर माइनस एन स्क्वायर मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा एक्स की पावर के प्लस 0 मीन्स एक्स की पावर के, और उसका जो कॉफिशियंट होगा वो ये होगा।
यहां पर जब आप r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहां पर x की पावर k प्लस 2 मिलेगा, तो हमें इस टर्म को काउंट नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स ये टर्म आपको इक्वल टू 0 मिल जाएगी जब आप x की पावर k के कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। a नॉट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब k स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, मींस k स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर होगा, मींस k की जो वैल्यू यहां से निकल के आएगी वो होगी प्लस माइनस n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आगे यूज होने वाला है, तो इसको हम दे देते हैं सिक्स्थ इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इससे अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, एक्स की जो अगली हाईएस्ट पावर होगी, अगली पावर होगी हाईएस्ट पावर, जैसे एक्स की पावर के थी तो एक्स की पावर के से अगली पावर कौन सी होगी एक्स की, एक्स की पावर के प्लस वन, उसके कॉफिशियंट को जीरो के बराबर पुट करेंगे। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन में आर की जगह वन पुट करना होगा, और ये काम हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में जब हमने x की लोएस्ट पावर दैट इज x की पावर k के कोफिशिएंट को जीरो के बराबर इक्वेट किया बाय पुटिंग r इक्वल टू जीरो इन दिस इक्वेशन, तो हमें वहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला k और n के बीच में, वो था k इज इक्वल टू प्लस माइनस n, जिसको हमने सिक्स इक्वेशन दिया था। अब हम क्या करेंगे, x की अगली हाईएस्ट पावर जो होगी x की पावर k प्लस वन, उसके कोफिशिएंट को जीरो पुट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर r की जगह वन पुट करना होगा। तो आइए स्टूडेंट्स लाइन लिखेंगे आप, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर के प्लस वन इक्वल टू जीरो बाय पुटिंग आर इक्वल टू वन इन फाइव वी गेट। जब आप इस इक्वेशन में जहां जहां आर लिखा है वहां वन पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए वन बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट के प्लस वन का होल स्क्वायर, आर की जगह वन पुट कर दिया, माइनस एन स्क्वायर, यहां पर मिलेगा एक्स की पावर के प्लस वन और उसका कोफिशियंट हमने यहां पर लिख दिया है। यहां पर जब आप आर की वैल्यू वन पुट करेंगे तो यहां पर आपको एक्स की पावर के प्लस थ्री मिलेगा, जबकि हमें x की पावर k प्लस वन का कॉफिशियंट ही कंपेयर करना है इक्वल टू जीरो के, तो ये टर्म हम नहीं लेंगे। तो हमारा जो कॉफिशियंट है x की पावर k प्लस वन का वो यहीं से मिलेगा और वो हमें मिल चुका है, उसको इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को आप ए वन मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट का जीरो का होने का मतलब ये है, या तो ए वन जीरो होगा या ये ब्रैकेट जीरो होनी चाहिए। अब ये ब्रैकेट जीरो के बराबर नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलता है, k प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, तो यहां पर आपको k प्लस वन इक्वल टू प्लस माइनस n मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि k की वैल्यू जो थी वो प्लस माइनस n निकल के आई थी, हमें यही वैल्यू लेनी है जो कि x की लोएस्ट पावर को जीरो के बराबर इक्वेट करने पर हमें मिलती है। तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां से k इक्वल टू प्लस माइनस n हमें नहीं मिल रहा, यहां से हमें कुछ और ही मिल रहा है, k प्लस वन प्लस माइनस एन के बराबर मिलेगा, अगर ये इक्वल टू प्लस माइनस एन के बराबर हुआ, इक्वल टू जीरो के बराबर हुआ, तो ये टर्म जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि ए वन हमारा जीरो होगा ही होगा। तो स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस इक्वेशन को हम देंगे इक्वेशन नंबर सेवन। तो स्टूडेंट्स ए वन इक्वल टू जीरो जो है ये हमारी इक्वेशन नंबर सेवन है, ये टर्म जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि यहां से के इक्वल टू प्लस माइनस एन नहीं मिल रहा, हमें कुछ और ही मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद की डेरिवेशन हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने x की पावर k प्लस वन के कोफिशिएंट को इक्वल टू जीरो पुट करके वहां से a1 इक्वल टू जीरो मीन सेवंथ इक्वेशन फाइंड आउट करी थी। अब हम एक रिकरेंस फॉर्मूला बनाने के लिए, ताकि हम बाकी कोफिशिएंट्स जैसे कि a2 a3 a4 की वैल्यूज फाइंड कर सकें, तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन में x की पावर k प्लस r के कोफिशिएंट को जीरो के बराबर इक्वेट करना होगा। तो आप लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k प्लस r इक्वल टू जीरो वी गेट, यहां पर आप वी गेट भी लिख देंगे, तो आपको क्या मिलेगा ये वो देखते हैं। तो यहां पर x की पावर k प्लस r ऑलरेडी है, तो उसका कोफिशिएंट जो है वो आप एज इट इज उतार देंगे, ए आर के प्लस आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म में से x की पावर k प्लस r का कोफिशिएंट। तो यहां पर देखिए, यहां पर k प्लस r प्लस 2 है, यहां पर अगर आपको x की पावर k प्लस r बनाना है तो आपको क्या करना होगा, इस टर्म में r को रिप्लेस करना होगा किससे, r को रिप्लेस करना होगा r माइनस 2 से। जब आप यहां पर r की जगह r माइनस 2 पुट करेंगे तो माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर x की पावर k प्लस r ही बचेगा। तो उस केस में x की पावर k प्लस r का कोफिशिएंट क्या बनेगा, प्लस r की जगह आपको क्या पुट करना है, r माइनस 2, ताकि आपको यहां पर x की पावर k प्लस r मिल सके। तो यहां पर आप a r माइनस 2 पुट करेंगे, इक्वल टू 0 भी लिखेंगे साथ में। तो यहां से आप a r की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, एक रिकरेंस
रिलेशन फाइंड कर लीजिए कोफिशिएंट्स के बीच में, वो होगा ए आर माइनस टू, ये टर्म उधर चलेगी और ये टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी, के प्लस आर स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स इसके इसको यूज करते हुए हम बाकी के जो कोफिशिएंट्स हैं जैसे ए टू ए थ्री ए फोर उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन फाइंड किए थे, जैसे कि हमने k की वैल्यू निकाली थी प्लस माइनस n, इसको हमने सिक्स्थ इक्वेशन दिया था, a1 की वैल्यू निकाली थी जीरो, इसको हमने सेवन्थ इक्वेशन दिया था, और जो रिकरेंस रिलेशन निकाला था हमने वो था ए आर इक्वल टू माइनस ए आर माइनस टू के प्लस आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो यहां पर हमें दो केसेस कंसिडर करने होंगे, पहला केस होगा k की पावर प्लस n वाला केस और दूसरा केस होगा k की पावर माइनस k इज इक्वल टू माइनस n वाला केस। तो दोनों केसेस में आप कोफिशिएंट्स की वैल्यू जो है वो अलग अलग फाइंड करेंगे। तो अब हेडिंग बनाएंगे केस वन, व्हेन k इज इक्वल टू n, देन फ्रॉम इक्वेशन 8 वी गेट, अगर आप यहां पर k की वैल्यू n पुट कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ए आर इज इक्वल टू माइनस ए आर माइनस टू एन प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो यहां पर आपको a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगानी होगी, तो आपको मिलेगा ए आर इज इक्वल टू माइनस ए आर माइनस टू, नीचे आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू एन आर माइनस एन स्क्वायर। तो ये एन स्क्वायर से ये वाला एन स्क्वायर कट जाएगा, तो ए आर जो होगा वो होगा माइनस ए आर माइनस टू आर स्क्वायर प्लस टू एन आर, ये होगी हमारी नाइन्थ इक्वेशन। तो इसी रिलेशन से हमें कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं, जैसे ए टू ए थ्री ए फाइव ऐसे वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ए वन तो पता है तो हमें यहाँ पर a2 की वैल्यू निकालनी है, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ r की जगह 2 पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे पुट r इज इक्वल टू 2, तो अगर आप यहाँ पर दोनों तरफ r की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, a2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 हो जाएगा a0 माइनस a0 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू n इंटू 2 प्लस 2 इंटू n इंटू 2, तो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू माइनस a0 बाय 4 प्लस 4 n। इसको आप लिखेंगे a2 इज इक्वल टू माइनस ए नॉट, यहां से 4 कॉमन ले लेंगे 4 एन प्लस 1, तो इस 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहां पर आप साथ में 1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक जनरल टर्म बनाने की कोशिश की जा रही है, यहां पर इस 1 को आप लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 फैक्टोरियल जो है वो 1 ही होता है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a2 की वैल्यू भी हमारे पास निकल गई। अब हमें निकालना है नेक्स्ट कोफिशिएंट जो कि होगा a3। तो a3 निकालने के लिए आपको यहां पर इस इक्वेशन में नाइन्थ इक्वेशन में r की जगह 3 पुट करना होगा, पुट r इक्वल टू 3, तो आपको मिलेगा a3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 a1 आ जाएगा यहां पर माइनस इज इक्वल टू माइनस a1 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 2 n इनटू 3। बट हमें पता है a1 क्या है, 0 है सेवंथ इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो a3 की वैल्यू जो है वो जीरो होगी क्योंकि a1 हमारा जीरो है। इसी तरह से जब आप a5 की वैल्यू निकालेंगे, यहां पर 5 पुट करके r की जगह, तो यहां पर आपको a3 मिलेगा, a3 जीरो है तो a5 भी जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार से a7 जीरो होगा, इसी प्रकार से a9 जीरो होगा, मींस जितने भी आपके ऑड कोफिशिएंट्स होंगे a3 a1 a5 a7 a9 एंड सो ऑन, वो सभी जीरो निकल के आएंगे, और जो हमारे इवन कोफिशिएंट्स होंगे उनकी आपकी नॉन जीरो वैल्यूज निकल के आएंगी। तो a2 हमने फाइंड कर लिया है, अब हम फाइंड करेंगे a4 की वैल्यू बाय पुटिंग r इक्वल टू 4 इन दिस रिलेशन इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि जितने भी हमारे ऑड कोफिशिएंट्स होंगे a1 a3 a5 a7 a9 एंड सो ऑन, वो सब जीरो होंगे। तो आइए अगला कोफिशिएंट फाइंड करते हैं, a4 की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके लिए आपको यहां पर r की जगह 4 पुट करना होगा, तो आपको मिलेगा a4 इज इक्वल टू माइनस a4 माइनस 2 मींस a2 a4 इज इक्वल टू माइनस a2 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू n इंटू 4 2 इंटू n इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस a2 बाय 16 प्लस 8 n, यहां से आप 8 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा a4 इज इक्वल टू माइनस a2 बाय 8 n प्लस 2, यहां से आपने 8 कॉमन ले लिया। अब आपको क्या करना है, यहां पर a2 की वैल्यू पुट करनी है जो भी हमने पिछले ही सेक्शन में निकाली थी ये वाली। तो आप a2 की वैल्यू जब यहां पुट करेंगे तो यहां माइनस साइन है, यहां माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा प्लस, और नीचे यहां पर 8 है यहां पर 4 है, तो ये हो जाएगा 32। यहां पर n प्लस 1 है, पहले n प्लस 1 लिख दीजिए फिर n प्लस 2 लिख दीजिए। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, जैसे 32 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 16। ऐसा क्यों किया जा रहा है अभी आप समझ जाएंगे। a4 इज इक्वल टू a0 डिवाइड बाय
2 को आप लिख दीजिए 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, और इस 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, यहां पर n प्लस 1, यहां पर n प्लस 2, तो ये हमारी a4 की वैल्यू आ गई। एंड बाकी कोफिशिएंट भी आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, जैसे a6 फाइंड कर सकते हैं, a8 फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ऑड कोफिशिएंट a5 a7 वो तो जीरो ही होंगे, आपको सिर्फ इवन कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। बस आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ a4 तक ही फाइंड करना है, उससे आपका काम चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स a2 a4 की वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं हम, इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज अपने जनरल सॉल्यूशन जो हमने लेट किया था इक्वेशन 2 में, वहां पर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइंड करेंगे सॉल्यूशन ऑफ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने अलग अलग कॉफिशियंट्स की वैल्यू फाइंड कर ली थी, ऑड कॉफिशियंट तो हमारे जीरो निकल के आए थे, a2 की वैल्यू हमने ये फाइंड की थी, a4 की वैल्यू ये फाइंड की थी, ऐसे ही आप आगे के जो इवन कॉफिशियंट्स होंगे वो फाइंड कर सकते हैं, आपको a4 तक ही सफिशियंट है इस टॉपिक में। तो स्टूडेंट्स हमने जो जनरल सॉल्यूशन लेट किया था, पावर सीरीज सॉल्यूशन लेट किया था बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो ये था y=r=0 to infinity ar x की पावर k + r। क्योंकि हमने ये सारे कॉफिशियंट्स केस वन के लिए फाइंड किए हैं, जिसमें हमने k = n लिया था, तो यहां पर आप k की जगह n पुट कर दीजिए, तो आप लिखेंगे पुट k = n, सो y = r=0 to infinity ar x की पावर n + r, k की जगह हमने n लिख दिया। तो स्टूडेंट्स यहां से आप x की पावर n को बाहर ले सकते हैं, तो आपका बचेगा y = x की पावर n summation r = 0 to infinity ar x की पावर r रह जाएगा यहां पर। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए, r की अलग अलग वैल्यूज पुट कर दीजिए यहां पर y = x की पावर n। जब आप यहां पर r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा a0 x की पावर 0, प्लस यहां पर आपको 1 पुट करना है r की वैल्यू, a1 x की पावर 1, प्लस a2 x की पावर 2, प्लस a3 x की पावर 3, प्लस a4 x की पावर 4, एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स इसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया है समेशन को इस प्रकार से, आर के अलग अलग वैल्यूज पुट कर दी। अब यहां पर आपको a0 a1 a2 a3 a4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आपको क्या मिलेगा y = x की पावर n, ये a0 ऐसे ही आएगा, x की पावर 0 1 होता है तो हमने यहां पर नहीं लिखा, माइनस। अब देखिए स्टूडेंट्स a1 तो हमारा 0 है, तो ये टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी, ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, a3 0 है, ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, सिर्फ x की इवन पावर्स वाली टर्म्स बचेंगी। a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू ये है -a0 / 1 (2)(n+1), साथ में है आपका x2 ऐसे रहेगा, ये टर्म 0 है, प्लस a4 की वैल्यू क्या है, a4 की वैल्यू ये है +a0 / 2 (2)(n+1)(n+2), और साथ में x^4, एंड सो ऑन। तो इन्हीं सम टर्म्स में से a0 कॉमन आ रहा है, तो आप भाग ले लीजिए y = a0 x की पावर n, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट, 1 - x²/(1)(2)(n+1), प्लस x^4, नीचे 2 (2)(4)(n+1)(n+2), एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स यहां तक हम कर चुके हैं, इसके बाद एक दो स्टेप्स और बचे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम y की ये वैल्यू फाइंड कर चुके थे। अगर स्टूडेंट्स इफ स्टूडेंट्स अगर आप यहां पर a0 की वैल्यू एक स्पेशल वैल्यू असाइन कर देते हैं a0 को, जो कि होती है 1/2 की पावर n n फैक्टोरियल, तो ये जो सॉल्यूशन है इसी को हम बोलते हैं बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n, बट आपको यहां पर a0 की एक स्पेशल वैल्यू असाइन करनी होगी, ये वाली। तो आप लाइन लिखेंगे इफ वी टेक a0 = 1/2 की पावर n n फैक्टोरियल इन अबव इक्वेशन, देन द सॉल्यूशन इज नोन एज बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n डिनोटेड बाय jnx। तो इस y की जगह आप jnx लिख देंगे, ये होगा हमारा बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, अगर यहां पर आप a0 की वैल्यू ये पुट कर देते हैं। सो jnx इज इक्वल टू, यहां पर a0 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 की पावर n n फैक्टोरियल x की पावर n, ऐसे रहेगा, ये सारी टर्म्स ऐसी रहेंगी, इसे हम बोलते हैं बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n। तो आपको क्या करना है, इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करना है सभी टर्म से, तो आपको क्या मिलेगा x^(1)/2)(n)(n)-x², ये 1 फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा, साथ में आप 2^(n)/2)(2) को ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा n+2, और इस n फैक्टोरियल को आप यहां मल्टीप्लाई कर देंगे n^(n+1) प्लस x^4, नीचे 2^(2)^(n)/2), ये बन जाएगा 2^(n+4),
यहां पर n फैक्टोरियल और बाद में n प्लस वन, n प्लस टू एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अब हमें अंदर वाली टर्म्स को कंप्रेस फॉर्म में मीन समेशन की फॉर्म में लिखना है, वो आप कैसे लिख सकते हैं। जे एन एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन और नीचे आप इस सारी टर्म्स को समेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यहां पर प्लस वन माइनस वन फिर प्लस फिर माइनस आएगा, अल्टरनेट साइन चल रहा है। तो समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी माइनस वन की पावर आर, माइनस वन की पावर आर का मतलब माइनस वन की पावर जीरो हो जाएगा प्लस वन, माइनस वन की पावर वन हो जाएगा माइनस वन, माइनस वन की पावर टू हो जाएगा प्लस। तो अल्टरनेट साइन चल रहा है यहां पर। उसके बाद आप इसको कैसे लिख सकते हैं, टू की पावर एन, टू की पावर एन प्लस टू, टू की पावर एन प्लस फोर को आप लिख सकते हैं टू की पावर एन प्लस टू आर। जब आप आर की वैल्यू जीरो पुट करेंगे यहां पर टू की पावर एन मिल जाएगा, वन पुट करेंगे तो एन प्लस टू मिल जाएगा, टू पुट करेंगे तो टू की पावर एन प्लस फोर मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर जीरो फैक्टोरियल है, यहां पर वन फैक्टोरियल है, यहां पर थ्री फैक्टोरियल है, तो ये आर फैक्टोरियल आ जाएगा इस तरह से। और साथ में एक्स की पावर जीरो है यहां पर, यहां पर एक्स की पावर टू है, यहां पर एक्स की पावर फोर है, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स की पावर टू आर, टू आर लिखेंगे तो आपको यही टर्म्स मिलेंगे जब आप आर के डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। यहां पर एन फैक्टोरियल है, यहां पर एन फैक्टोरियल एन प्लस वन है, यहां पर एन फैक्टोरियल एन प्लस वन एन प्लस टू है। तो कहने का मतलब यह है कि ये एन फैक्टोरियल है, यहां पर एन प्लस वन का फैक्टोरियल, इसको आप लिख सकते हैं इस टर्म को, इन दोनों को मिला के एन प्लस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। चलिए मैं इसको एन प्लस वन फैक्टोरियल लिख देता हूं। जब आप एन प्लस वन फैक्टोर को एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एन प्लस वन मिलेगा फिर एन फैक्टोरियल मिलेगा। इस तीनों टर्म्स को आप इकट्ठे लिख सकते हैं एन प्लस टू फैक्टोरियल, क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको एन प्लस टू एन प्लस वन फिर एन फैक्टोरियल मिलेगा, एक एक वैल्यू कम होती जाएगी। तो उसको आप जनरल टर्म में लिख सकते हैं एन प्लस टू आर फैक्टोरियल। जब आर की वैल्यू जीरो पुट करेंगे आप तो एन फैक्टोरियल मिल जाएगा, वन पुट करेंगे तो एन प्लस, जब आप आर की वैल्यू वन पुट करेंगे तो यहां पर आपको एन प्लस टू मिलेगा जबकि एन प्लस वन मिलना चाहिए था। तो इनको आप जनरल टर्म में एन प्लस टू आर नहीं एन प्लस आर फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखेंगे। जब आप आर जीरो पुट करेंगे तो एन फैक्टोरियल मिल जाएगा, जब आप वन पुट करेंगे तो एन प्लस वन फैक्टोरियल मिल जाएगा, जब आप आर की वैल्यू टू पुट करेंगे तो आपको एन प्लस टू फैक्टोरियल मिल जाएगा। तो इस ब्रैकेटेड टर्म को समेशन की फॉर्म में इस प्रकार लिखा जाता है। जब आप इस समेशन को एक्सपेंड करेंगे तो आपको यही टर्म्स जो है वो देखने को मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स एक दो स्टेप्स और बचे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर एन यहां तक फाइंड कर लिया था। अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, एक्स की पावर एन को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर एन प्लस टू आर। तो यही हमारा नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है। Jnx is equal to summation r is equal to 0 to infinity minus 1 की पावर r, x की पावर हो जाएगा n plus 2r, नीचे सेम रहेगा 2 की पावर n plus 2r, r factorial ऐसे ही रहेगा, n plus r factorial ऐसे ही रहेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 की पावर n plus 2r है, यहाँ पर x की पावर n plus 2r है, तो इनको आप कंबाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा Jnx is equal to summation r is equal to 0 to infinity minus 1 की पावर r, नीचे r फैक्टोरियल n प्लस r फैक्टोरियल और इन दोनों कंबाइन करके हमें मिलेगा x बाय टू की पावर n प्लस टू आर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n का फाइनल एक्सप्रेशन। तो ये हमने फाइंड किया फॉर k इक्वल टू n। तो अगर आप k इक्वल टू माइनस n के लिए सेम स्टेप्स फॉलो करके फाइंड करते हैं बेसल फंक्शन, तो आपको सेम एक्सप्रेशन मिलेगा, बट जहां पर n होगा वहां पर आपको माइनस n लिखना होगा। तो आप लिखेंगे j माइनस एन एक्स, ये फॉर k इक्वल टू माइनस एन के लिए लिख रहे हैं हम, j माइनस एन एक्स इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर r, r फैक्टोरियल, इस n की जगह माइनस एन प्लस r फैक्टोरियल, आगे x बाय टू, यहां पर इस n की जगह माइनस एन प्लस टू आर। ये है बेसल फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड। तो स्टूडेंट्स जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा हमारी बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर वन का, वो आप कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू सम वेरिएबल ए मल्टीप्लाई बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर एन जे एन एक्स प्लस सम वेरिएबल बी इनटू बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। तो इस प्रकार से कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बेसल फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स ये था आपका बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन और बेसल फंक्शन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स के साथ। Till then, take care.